आज हम जैसे हो गए हैं क्या यही हमारी नियति है या दुर्भाग्य है जिस शहरी समाज में हम रहते हैं क्या जीवन की पूर्ण क्षमता की खोज करना ही हमारी व्यवस्था है या किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करना जो हमें उस विचार तक लेकर जा सके परम का मूलभूत विचार जिसे आप जीवन की पूर्ण क्षमता कहते हैं यही हमारी व्यवस्था क्यों है क्या किसी समय यह बहुत अलग था एक आधुनिक समाज ऐसा क्यों हो गया है कई समाज हुआ करते थे ये संस्कृति ऐसी हुआ करती थी आपको इस देश का इतिहास पता है लगभग छ आठ हजार साल पहले वृंदा जब सबसे पहले आर्यों का हमला हुआ जिन लोगों ने हड़प्पा और मोहनजेदारों का निर्माण किया उनमें साफ तौर पर ऊंची बुद्धि थी ठीक है मुझे यकीन है कि आपने हाई स्कूल की अपनी किताबों में भी यही पढ़ा होगा अंग्रेजों ने यह स्कूली किताबों में लिखा था और उन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजेदारों में बहुत ही व्यवस्थित गटर थे अंग्रेज केवल इसी में रुचि रखते हैं कि वे अपने मूत्र को कैसे संभालते थे उनके लिए यही मायने रखता था क्योंकि उनकी गटर व्यवस्था इतनी बुरी थी कि वे कुल मिलाकर यही सोच पाए उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि लगभग 6000 हजार साल पहले अगर लोगों ने ऐसे जटिल स्थान बड़े मंदिर और चीजें बनाई तो वे कैसे लोग थे उनकी बुद्धि कैसी थी उनके विचार क्या थे उनकी चेतना कैसी थी वे किस चीज के बारे में सोचते थे या उनके जीवन का अनुभव क्या था कि वे इतने संतुष्ट थे उन्होंने अद्भुत नगर बनाए और उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई सेना नहीं थी यानी वहां के लोगों की चेतना कैसी रही होगी वे कैसे जीते थे नहीं उनके पास अच्छे गटर थे आप स्कूल की किताबों में यही पढ़ते हैं मैंने भी किताबों में यही बकवास पढ़ी थी तो ऐसा क्यों है कि हम इंसानी अनुभव को अनदेखा कर रहे हैं और हमारी बनाई सड़कों और गटर व्यवस्थाओं पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हाँ, उन चीजों की जरूरत है, लेकिन किस लिए इंसानी अनुभव को गहरा बनाने के लिए है ना नहीं फिलहाल वो चीज गायब है कोई भी इंसानी अनुभव को गहरा बनाने की बात नहीं कर रहा इंसानी अनुभव को कैसे गहरा बनाया जाए आज इसका मतलब यही है कि लोग फोन पर लगे रहें और सब कुछ उसी के जरिए देखें ये बस आपको चकाचौंध कर रहा है लेकिन यह किसी भी तरह आपके अनुभव को गहरा नहीं कर रहा यह आपकी इंद्रियों को सुन कर रहा है बस यही है यह आपके ग्रहण बोध के साधनों को सुन्न कर रहा है यह किसी भी तरह आपका अनुभव गहरा नहीं बना रहा तो हम उस और क्यों जा रहे हैं क्योंकि हर कोई शिक्षित हो रहा है इस पीढ़ी तक शिक्षा का अधिकार जैसा कुछ नहीं था अगर कोई व्यक्ति बस अपने पशुओं को चराते हुए घूमना चाहता था तो वो ऐसा कर सकता था अगर वो बस पहाड़ों में घूमना चाहता था तो वो ऐसा कर सकता था अब ऐसा नहीं है आज इस धरती पर हर मनुष्य का किसी देश से संबंध जरूर होना चाहिए वो इतने बड़े ग्रह पर यूं ही कहीं नहीं रह सकता लगभग सौ साल पहले साठ प्रतिशत से ज्यादा लोग किसी देश से संबंध नहीं रखते थे वो बस रहते थे अब आपका एक देश से संबंध होना ही चाहिए अगर आप किसी देश से संबंध रखते हैं तो राष्ट्र के हित में आप एक बड़े समाज की सेवा करते हैं नहीं लोग बस यूं ही क्यों नहीं रह सकते नहीं कोई भी खुद से नहीं जी सकता हम मानव जीवन का महत्व कम करके किसी दूसरी चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं नहीं जीवन का अकेला और एकमात्र उद्देश्य यह है कि जीवन का यह टुकड़ा अपनी अंतिम संभावना तक पहुंचे चाहे आप एक केंचुआ हो या एक टिड्डा या एक पक्षी या एक पशु या एक पेड़ या एक मनुष्य जीवन के हर रूप का यही एकमात्र उद्देश्य है कि वो अपनी पूर्ण क्षमता तक विकसित होना चाहता है कुछ और नहीं बनना चाहता शायद आप इस पेड़ को देखकर सोचें अरे मैं फूल लेकर पूजा कर सकता हूं या आप उस पेड़ को देखकर सोचें अरे इससे अच्छा फर्नीचर बन सकता है लेकिन यह पेड़ फर्नीचर के बारे में नहीं सोच रहा यह तो बस अपने पूरे आकार और पूरी क्षमता तक विकसित होना चाहता है है ना आपके आपके मन में फर्नीचर के विचार हो सकते हैं इसी तरह अगर मैं आपकी आपकी ओर ओर देखूं आपके पिता देखकर सोचें ये क्या बनेगा यह उनके विचार हो सकते हैं नहीं इस जीवन के ऐसे कोई विचार नहीं है यह जीवन तो बस अपनी पूर्ण संभावना में खिलना चाहता है उस संभावना के लिए दुनिया में दुर्भाग्य से बहुत 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 ही कम मौके बहुत ही कम बाकी हर चीज आपको पहिए का एक पुर्जा बना रही है